इस वीडियो में हम x का मान निकालना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन के माध्यम से x का मान कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे दिया है x बाई टू प्लस में दिया है x बाई थ्री इक्वल टू है 10। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बाई टू प्लस में x बाई थ्री जो है इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम इक्वल यहाँ पे जो 10 है इसको सॉल्व करेंगे। किस प्रकार सॉल्व किया जाता है ऐसे समीकरण को फ्रेंड, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे x बाई टू प्लस में x बाई थ्री है, तो यहाँ पे भिन्न वाला है, भिन्न का जब ऐसे ही रहता है प्लस में दिया रहता है, तो क्या करते हैं ऐसे करते हैं x का गुना पहले थ्री में जब करेंगे x का गुना ऐसे थ्री का गुना करते हैं इस प्रकार। तो x का गुना यहाँ पे थ्री में करेंगे, फिर फ्रेंड क्या करेंगे टू का गुना x में करेंगे, फिर क्या करेंगे ऐसे इस प्रकार करेंगे, फिर क्या करेंगे फ्रेंड जब इसका गुना हो जाता है तो जब प्लस में रहता है तो ऐसे करते हैं, जब इन दोनों का गुना हो जाएगा फिर इस प्रकार करेंगे ऐसे। अंश का जब हर से हो जाएगा, फिर हर का जब अंश से हो जाएगा, फिर हर का हर से कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। x का 3x में पहले कीजिए तो हो जाएगा 3x, यहाँ पे 3x हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। फिर क्या करेंगे, यही मेथड फ्रेंड फॉलो करना है। फिर यहाँ पे करेंगे 2 का x में तो जाएगा 2x। अब यहाँ पे 2 का 3 में करेंगे बटा में यहाँ पे चिन्ह लगा लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे रेखी जो चिन्ह होता है, उसके बाद 2 3 6 हर का हर में करेंगे इस प्रकार, 2 3 6 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या है 10 है। फ्रेंड वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन फ्रेंड आज के बाद आप लोग को भटकना नहीं पड़ेगा फ्रेंड, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे फ्रेंड। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड, इसको जो हम कॉल लिए 3x प्लस में 2x इसको जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा, 5x बाई 6 इक्वल टू क्या है 10। यह फ्रेंड हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल का चिन्ह है, यहाँ तो प्लस का था यहाँ पे इक्वल का है, तो इसको फ्रेंड हम क्या करते हैं कि अंश का जो है यहाँ पे एक हम बट्टा में एक मान सकते हैं यहाँ पे, तो इसका क्या करेंगे 5x का 1 में करेंगे इस प्रकार, त्रिया का गुना करेंगे। अब फिर क्या करेंगे 6 का यहाँ पे 10 में करेंगे इस प्रकार, पहले यहाँ पे क्या करेंगे हर जो है अंश का हर में, फिर हर का अंश में, तो इस प्रकार गुना होता है। फिर यहाँ पे फ्रेंड नीचे गुना नहीं होता है, हर का हर में गुना नहीं होता क्योंकि यहाँ पे इक्वल का चिन्ह है, तो इस प्रकार करेंगे 5x हो जाएगा, 5x का 1 में करेंगे तो 5x हो जाएगा। अब यहाँ पे इक्वल है तो इक्वल का चिन्ह लगा लीजिए इस प्रकार। अब यहाँ पे गुना करेंगे 6 का 10 में तो 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे गुना हो रहा है 5 का x में, तो यहाँ पे इधर आएगा, जब 75 इक्वल का चिन्ह रहता है तो 75 जब करते हैं तो यहाँ पे गुना है तो इधर आएगा, भाग करेगा यहाँ पे। अब काट देंगे फ्रेंड, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। यह फ्रेंड x का मान आ गया, उम्मीद है कि आप लोग को फ्रेंड समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। क्वेश्चन कुछ हमारा इस प्रकार है, यहाँ पे दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू 5/2, तो सेम उसी प्रकार करेंगे फ्रेंड, x गुना x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 1 हो जाएगा, 1 का गुना 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे नीचे 1 मान सकते हैं, बटे में एक्स आ जाएगा इक्वल टू 5/2 दिया तो वैसे ही उतार लेंगे। फिर फ्रेंड गुना त्रिया का करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा इक्वल टू 5x हो जाएगा। अब इधर 2x वैसे ही रहने दें, इधर 5x है इधर पाशांतर कर दें तो -5x हो जाएगा प्लस में 2 है इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब पहले का गुना यहाँ लास्ट पद में करेंगे क्योंकि यहाँ पे x में 2 का गुना है तो 4 आ जाएगा, तो 4 को हमको इस प्रकार तोड़ना है दो पदों में कि जोड़ने पे प्लस 4 आ जाए और गुना करने पे
माइनस फाइव आ जाए, तो हम दो नंबर ले लेंगे। मान लीजिए हम लेते हैं माइनस फोर एक्स और माइनस एक्स ले लेते हैं, प्लस टू है इक्वल टू ज़ीरो। तो फ्रेंड जोड़ेंगे तो माइनस फाइव एक्स आ जाएगा, और गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और गुना करेंगे चार एक चार में एक का तो चार ही रह जाएगा। तो अब फ्रेंड क्या करते हैं, यहाँ पे टू एक्स कामन ले लेते हैं, टू एक्स कामन करेंगे यहाँ पे तो एक्स माइनस टू बच जाएगा, यहाँ पे माइनस वन कामन कर लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स माइनस टू। अब देखेंगे फ्रेंड एक्स माइनस टू यहाँ पे भी है, एक्स माइनस टू यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे आप देखते हैं एक्स माइनस टू कामन कर लेंगे, बचा क्या हमारा यहाँ पे टू एक्स बचा है, यहाँ पे माइनस वन, तो एक क्वेश्चन में इसको ले लेंगे टू एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो कर लेंगे। अब एक बार एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे, एक बार टू एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे, तो एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, एक बार टू एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो कर लेंगे, तो एक्स इक्वल टू टू आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है इधर, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हमारा एक एक्स का ये मान आ गया, और दूसरा एक्स का क्या मान आ जाएगा, यहाँ पे टू एक्स है इधर माइनस है तो इधर जाएगा प्लस वन हो जाएगा, इधर एक्स का दो में गुना हो रहा है तो यहाँ पे दो गुना हो रहा है, तो इधर जाएगा भाग हो जाएगा एक बच्चे दो। दूसरा मान हमारा फ्रेंड ए आ गया। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।